हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल सेवा पोर्टल में एक टैक्स जीनियस नाम की सर्विस है, जिसमें अभी अभी जीएसटी से रिलेटेड 4 सर्विस ऐड हुई हैं, और ये सर्विस आपके लिए बहुत फायदेमंद है और इसमें कमीशन भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि हमें इसमें कैसे काम करना है। इस वीडियो को पूरा देखें, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल में, और वहाँ पर जाकर हम लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है, और जहाँ पर हम सर्विस में जाएंगे और पार्ट टू में जाकर हम सर्च बार में सर्च करेंगे टैक्स, तो हमें टैक्स से रिलेटेड एक सर्विस दिखाई देगी। तो हम सिर्फ जहाँ पर क्लिक है पर क्लिक कर लेंगे, तो हमें सीएससी रिडायरेक्ट होकर एक साइट पर ले आएगी टैक्स जीनियस पर, जहाँ पर हमें सर्विसें दिखाई देंगी। तो आपको एक 4 नई सर्विसें दिखाई देंगी, जो कि है जीएसटी रिटर्न फिलिंग, टीडीएस रिटर्न फिलिंग, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन। पहले तो मैं ये बता दूं कि एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन क्या है। इसमें हम किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप खुद की कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने, तो आप उसकी कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपकी कंपनी सिंपली रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में आप किसी का भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, चाहे तो आप खुद का भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना सकते हो, चाहे कोई आए तो उसका भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इसमें बना सकते हैं। जहाँ से आप टीडीएस फिलिंग रिटर्न फिलिंग कर सकते हैं, अगर तो आपके पास कोई आता है टीडीएस रिटर्न फिलिंग करवाने, तो आप टीडीएस रिटर्न फिलिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद है जीएसटी रिटर्न फिलिंग, इसमें हमें बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। हर एक बीएलई भाई को ये परेशानी रहती है हर मंथ की हम जीएसटी रिटर्न फिलिंग कैसे करें, तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। इससे आपकी बहुत मुश्किलों का समाधान हो जाएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं इसमें क्या करना है हमें। आप देख सकते हैं जीएसटी रिटर्न फिलिंग का इंटरफेस कैसा है, और जहाँ पर टैक्स जीनियस और जहाँ पर सीएससी का लोगो लगा हुआ है। तो हम जहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको अपनी नॉर्मल डिटेल फिल करनी है, और नीचे हमें तीन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि अपलोड जीएसटी एप्लीकेशन, अपलोड जीएसटीआर एक्सेल फाइल, अपलोड परचेज रजिस्टर। ये तीनों फाइल्स हमें जहाँ पर मिल जाएंगी, ये तीनों फाइलों का लिंक इन्होंने जहाँ पर दिया हुआ है, और जहाँ से आप डाउनलोड कर जहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपको जीमेल आईडी पर एक मेल आएगा कंफर्मेशन का कि आपका जीएसटीआर रिटर्न फिलिंग हो गया है। और इसके भी हम कमीशन की बात कर लेते हैं। अगर आप खुद का जीएसटी रिटर्न फिलिंग करते हैं तो बीएलई को 80 रुपये मिलेंगे, अगर आप किसी व्यक्ति का जीएसटीआर रिटर्न फिलिंग करते हैं तो आपको 160 रुपये मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा कमीशन है, और जल्दी मिल जाएंगे, तुरंत कमीशन मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है सीएससी में कि तुरंत कमीशन हमें सीएससी दे रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बीएलई भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।